आगाज हुआ है। खेल महाकुंभ में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन खंडेश्वर मैदान में किया जा रहा है। महाकुंभ की शुरुआत राज्यपाल ने खिलाड़ियों को मशाल सौंप कर की है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी भगवान सिंह बिष्ट ने बताया कि इस दौरान कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, गोला फेंक, रेस आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 कैटेगरी के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें ग्राम सभा स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को 300 रुपये, द्वितीय आने वाले प्रतिभागियों को 200 रुपये और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को 150 रुपये राशि प्रोत्साहन के स्वरूप दी जाएगी। इसके साथ ही विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के चयन खिलाड़ी 15 नवंबर से 25 नवंबर तक जिला स्तरीय महाकुंभ प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस दौरान करीब 900 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। यहाँ पे जब से हमारा खेल महाकुंभ शुरू हुआ है तब से और आज की डेट में आप लगा लो यहाँ पे बहुत बच्चों ने इम्प्रूव किया है। अंडर 14, 17 और 21 की जो यहाँ पे प्रतियोगिताएं हो रही हैं, इसके बाद बच्चे हमारे जिले पे प्रतिभा करेंगे, उसके बाद स्टेट पे। पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ से काफी बच्चों ने स्टेट पे प्रतिभा किया था। जो प्रतियोगिताएं हो रही है एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल की प्रतियोगिताएं जीत की जा रही है।